जी हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे की मौसम की ताजा रिपोर्ट। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हरियाणा जिले की मौसम की ताजा खबर पाना चाहते हैं तो प्लीज TR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। हम आपको बता दें, सावन की झड़ी से शहर में नहीं हो सकी फॉगिंग, फैलने लगे मच्छर। जी हम आपको बता दें, जिले में सावन माह के दौरान रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे कहीं कहीं हल्की बारिश हुई, जबकि आसमान में बादलों का आना जाना लगा है। ऐसे में हर तरफ मौसम सुहाना है। रविवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, मगर शहर में कई जगह बरसाती पानी जमा रहने से मच्छर पनपना शुरू हो गए हैं। ऐसे में नगर पंचायत प्रशासन फॉगिंग शुरू करवाने को बारिश थमने का इंतजार में है। वहीं लेकिन बारिश थमने तक मच्छरों से डेंगू मलेरिया फैल सकता है, इससे कई मोहल्लों व वार्डों के लोग बेहद चिंतित हैं, लेकिन संबंधित विभाग गंभीर नहीं है। बारिश के मौसम ने बेशक शहर व गांवों के लोगों को मुश्किलें बढ़ाई हों, मगर खेतों में किसान बेहद खुश हैं। उनको धान लगाना काफी आसान हो गया है, वहीं पानी के संकट से निजात मिली है। नगर नरमा व ग्वार की फसलों को इस हल्की बरसात से फायदा बताया गया है। हालांकि फसलों से रस चूसक कीटों का हमला बढ़ा है, लेकिन सफेद मक्खी का प्रकोप थम गया है। जी हां, ये थी हरियाणा जुड़ी मौसम की ताजा रिपोर्ट। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक TR न्यूज के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हां, जय हिंद, जय भारत।